फ्री स्ट्रीट फूड। मधुरा में जित्तू कहकर एक आदमी रहता था। वो एक नंबर का कंजूस था, कभी भी उनके जेब में से एक रुपए भी नहीं निकालता था और सबके पास उधार भी लेता था। एक दिन कुछ लोग जित्तू को सड़क पर पकड़कर रोके। ये देखकर जित्तू उनसे, क्यों फ्रेंड्स, सब एक ही बार इकट्ठा होकर आए हो, क्यों पैसे मिले हैं क्या? मैंने जो पूछा वो उधार देंगे क्या? कहा। तब कृष्णा कहकर एक आदमी, देते रे देते, वो सब हिसाब करने के लिए ही आए हैं। तुम्हारे पास से तो पैसे नहीं आएंगे कहकर हमको पता चल गया है, उसके बदले तुम्हें एक बम्पर गिफ्ट देने के लिए आए हैं। कहकर सब पकड़कर उसे खूब पिटाई करके चले गए। बाद में जित्तू मन में, ठीक है, मारे तो मारे हैं, अब इनका उधार चुकाने का जरूरी नहीं है। इस बार उधार चुकाए बिना हैप्पीली रिलैक्स हो सकते हैं। अगली बार उधार किए बिना कुछ नया टेक्निक इस्तेमाल करना होगा, ये पुराना टेक्निक तो बोर लग रहा है, सोचा। ऐसे दो दिन के लिए अच्छे से सोचकर जित्तू उनके घर के पास एक होटल में गया, उधर खाना खाया। बाद में खाना खत्म होने के समय पर उसका जेब में से एक कॉकरोच को निकालकर खाना में मिला दिया और उसका ओनर को बुलाया। तब उनसे जित्तू, ये क्या है भाई साहब, ये बहुत मशहूर होटल है, जानकर पैसे नहीं होने से भी उधार करके इधर खाने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम इधर क्या कर रहे हो, कॉकरोच को पाल रहे हो? यही चाइना में खिलाया तो फ्री में स्टफ मिला है कहकर खा लेते थे, लेकिन हमको तो आदत नहीं है ना, नहीं खा सकते है, और डर भी है ना। रुको रुको, खाना इतना अच्छा होने से भी मैं फूड इंस्पेक्टर को कंप्लेन करता हूँ रे। कहा। तब ओनर, अरे भैया प्लीज भैया, इधर शोर मत मचाओ भैया, नहीं तो लोग इधर आना ही छोड़ देंगे। देखो भैया, मैं तुम्हें पैसे वापस देता हूँ, और चाहिए तो एक महीने के लिए हर रोज आकर मुफ्त में खाना खाओ। कहा। तब मन में जित्तू, अरे ये क्या, ऑनर तो इतना छोटा कॉकरोच के लिए इतना डर रहा है, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, ऐसा ही हर महीना कुछ ना कुछ करके ऐसे नमूनों के पास जिंदगी भर मुफ्त में खाना खा सकते हैं, सोचकर चला गया। बाद में एक चाय दुकान के पास जाकर चाय में मक्खी को डालकर उधर बहुत झगड़ा करके चाय दुकान वाले के पास मुफ्त में चाय पीना शुरू किया। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद जित्तू के घर वाले उसका शादी करवाए। नया शादीशुदा पत्नी को बिरयानी खिलाने के लिए होटल लेकर गया। उधर वे लोग अच्छे से बिरयानी खाने के बाद वेटर आकर जित्तू को जीरो बिल दिया। वो देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। तब पत्नी से जित्तू, देखा तुम्हारा पति इधर का कितना वीआईपी है, हम इस इलाके में कोई भी होटल में जाएंगे, आखिर में चाय भी पियेंगे, सब कुछ मुफ्त है, जानती हो। कहा। तब जित्तू की पत्नी नीतू, अरे वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, लेकिन आप तो पहले ही उनको पैसे दिए होंगे ना, सच बताइए ना, हमारे बीच में कुछ राज नहीं रहना चाहिए, नया शादी हुआ है ना। बोली तब जित्तू, यस बेबी, तुमने जो बोले उसमें आधा सही है और आधा गलत है, लेकिन मैं तो उनको पैसे एडवांस में नहीं देता हूँ, एडवांस के बदले कॉकरोच या मक्खी या फिर कोई भी छोटा सा मकड़ी, ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को लाकर खाना में मिला देता हूँ, बस बाद में उसको दिखाकर धमकी देता हूँ, बाद में सब कुछ मुफ्त 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 मुफ्त, मेरा खून में है ना। कहा। तब नीतू को गुस्सा आकर, चीची तुम इतना दरिंदर हो, अन्याय से मेहनत करने वाले लोगों को लूट कर खा रहे हो, हमारा भी एक होटल है पता है ना, चीची तुम जैसे नीच इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं मायके चली जाऊंगी, रुको तुम्हारा ये चाल को अभी खत्म करती हूँ। कहकर होटल ओनर को बुलाकर सब कुछ कहकर बहुत गुस्सा होकर उधर से चली गई। तब ओनर को और उधर के काम वालों को भी बहुत गुस्सा आकर जित्तू को पकड़कर अंदर ले जाकर खूब पिटाई किए। बाद में 10 दिन के लिए उनके होटल में प्लेट्स बर्तने और सब कुछ सफाई करवाने लगे। कुछ दिनों के बाद जित्तू को उसका गलती का एहसास हुआ और पत्नी को घर वापस ले आकर काम करते हुए खुशी से जीने लगा।